तो गलती किसका है पता है? इसका है। दो तापड़ लगाना है क्योंकि तेरा ही वजह से मेरा वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा। दोस्तों हमें ज्यादा व्यूज की मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है, जिस काम से आप लोगों को फायदा हो। दोस्तों एक वीडियो अपलोड करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 व्यूज आते हैं और उसके बाद व्यूज जो है रुक जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? आज की इस वीडियो देखने के बाद व्यूज की बारिश होंगे, मैं ये चीज आप लोगों को सबसे पहले बता दिया है। दोस्तों देखिए, मैं यूट्यूब से पैसा कमाई करने की जो शौक है मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा एक चैनल से पैसा ऑलरेडी अर्निंग हो रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो अपलोड करने के बाद 3 से 4 व्यूज आता है, उसके बाद व्यूज जो है रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी तो गलती आप लोग करते हैं और इसलिए आपके वीडियो पर 3 से 4 व्यूज आता है और उसके बाद व्यूज जो है रुक जाता है। गलती क्या आप करते हो आप खुद नहीं जानते हो, इसलिए आपके वीडियो पर 3 से 4 व्यूज आता है और उसके बाद व्यूज जो है रुक जाता है। दोस्तों देखिए, जब एक न्यू क्रिएटर्स चैनल ओपन करता है, ओपन करने के बाद वीडियो अपलोड करता है, तो लगता है कि मेरा वीडियो को शेयर करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत होता है। अभी भी आप अपने वीडियो को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप जिस तरह वीडियो को वॉच करते हैं दूसरों ने इसी तरह वीडियो वॉच नहीं करता है। सो दोस्तों फाइनली मैं ये बात करता हूं कि 3-4 व्यूज से आप व्यूज कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों देखिए, जब वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करने के बाद एक नया चैनल पर शुरू से व्यूज नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? वीडियो पब्लिश करने के साथ ही साथ दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में, मैं जिस तरह आप लोगों को बताता हूँ ना, सेम इसी तरह आप काम कीजिए, डेफिनेटली भाई आप यूट्यूब पर सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि मैंने इसी तरह काम करके मेरा एक चैनल मोनेटाइजेशन किया है और इस चैनल पर मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मेरा पुराना चैनल की स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगवाया है, आप लोग देख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको 7 से 8 ईमेल आईडी और एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, यानी कि और बनाना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो पब्लिश करने के साथ ही साथ दोस्तों जिस ईमेल आईडी से आपने चैनल बनाया है उसे ईमेल आईडी छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी एक ईमेल आईडी यूट्यूब पर लॉगिन करके आपने जो वीडियो पब्लिश किया है उस वीडियो को पूरी तरह से वॉच करना है, यानी कि कंप्लीटली वॉच करना है। एक बार वॉच करने के बाद याद रखना है कि 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है, फिर से दूसरा ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, उसके बाद फिर से दूसरा ईमेल आईडी से पूरी वीडियो को आप वॉच करना है और एक लाइक और एक कमेंट करना है। लेकिन दोस्तों जो ईमेल आईडी आप क्रिएट करेंगे खुद के नाम से, ये ईमेल आईडी बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, आधार लोगों के नाम से क्रिएट करना है। तो भी जाके दोस्तों बाकी जो ऑडियंस आएंगे, ऑडियंस को यह पता नहीं चलेगा कि आपने खुद वीडियो देखा है। सो दोस्तों खुद वीडियो देखने से क्या फायदा होता है? दोस्तों देखिए, यूट्यूब यह चाहता है कि वीडियो की इंगेज चाहता है, वीडियो की रीच चाहता है, थंबनेल की इंप्रेशन चाहता है, तभी तो मतलब दूसरों लोगों के सामने आपकी वीडियो रिकमेंड करता है, यानी कि नोटिफिकेशन भेजता है या इंप्रेशंस भेजता है। तो ये कैसे हाई करना है? हाई करने के लिए दोस्तों खुद खुद की वीडियो देखना होता है। दोस्तों मैं अभी भी ये काम मैं करता हूँ, जैसे कि मेरा पास 9 से 10 ईमेल आईडी है और उसी ईमेल आईडी से मैं वीडियो फुल वॉच करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों एक बार वॉच करने के बाद, सिर्फ एक बार वॉच करने के बाद दोस्तों YT स्टूडियो ओपन करना है और एक बार रिफ्रेश करके देखना है। आप देख सकते हो कि आपकी वीडियो पर 2 से 3 व्यूज एक्स्ट्रा आ चुका है, यानी कि जब आप पूल वॉच करते हो, यानी कि पूरा वॉच करते हो, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब को लगता है कि सच में आपकी वीडियो जो है काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोग पूरा इंगेज दे रहा है, लोग पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है आपकी वीडियो पर, तभी तो यूट्यूब ने आपकी जो वीडियो है दूसरों के सामने इंप्रेशंस देता है। सो ये बात आपको ध्यान देना है और उसके बाद आपको काम करना है। लेकिन एक बार वीडियो वॉच करने के बाद दोस्तों दूसरों ईमेल आईडी से फिर वॉच करने से पहले आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है, फिर से देखना है। इस तरह दोस्तों देख देख कर दोस्तों जो जितना ईमेल आईडी है, हो सकता है आपके पास 7-8 या 8-10 ईमेल आईडी है, तो सारे ईमेल आईडी से दोस्तों एक एक बार करके फुल वॉच करना है। ये सबसे मेन मतलब जो मेन प्रोसेस ये होता है, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये चीज़ आप लोगों को शायद नहीं बताते होंगे, क्योंकि जब एक न्यू क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करता है, वीडियो अपलोड करने के बाद ना ही यूट्यूब ने जानता है, ना ही ऑडियंस को पता चलता है कि आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है। उसके बावजूद अगर आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो गलती किसका है पता है? इसका है। दो तापड़ लगाना है क्योंकि तेरा ही वजह से मेरा वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, यानी कि मैं अच्छी तरह से वीडियो पर नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज नहीं हो रहा है, इसलिए आपके साथ ऑडियंस जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए यूट्यूब पर काम कीजिए और जो 3-4 व्यूज़ का प्रॉब्लम है ये देखिए ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।